तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ कमेंट्स में कुछ सवाल पूछे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है आदेश कुमार। दोस्तों आज दिवाली का दिन है, पहले तो दोस्तों मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जब हमारे श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे, तो वहाँ के लोगों ने श्री राम जी के आने की खुशी में वहाँ पे दीपक जलाए थे। तो जब से ही हम लोग पूरे हिंदुस्तान में दिवाली का त्यौहार इतने धूमधाम से मनाया जाता है, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाई। मेरी तरफ से आप सभी को विश यू हैप्पी दिवाली। तो अभी जो हमारी ट्रेन है, आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेन है अभी वॉशिंग लाइन पर ही खड़ी है। दोस्तों आप आवाज़ सुन सकते हैं, आज दिवाली का दिन है और हर जगह ये पटाखे फूट रहे हैं। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है ये दिल्ली सराय रोहिल्ला के वॉशिंग लाइन से निकल चुकी है और अब ये नई दिल्ली पहुंचेगी और फिर वहां से चलेगी 9:50 पे। तो जैसा कि अभी गाड़ी चलने में टाइम है, तो उससे पहले मैं एक बार गाड़ी चेक कर लूँ। आप देख सकते हैं हमारी जो अटेंडेंट है, उन्होंने प्रॉपर बेडिंग अपनी अपनी सीटों पर रख दी है। आप देख सकते हैं कोच के अंदर अपनी अपनी सीटों पर प्रॉपर बेडिंग रखी हुई है। आज दिवाली का दिन है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टाफ हैं और सबसे आपको हैप्पी दिवाली विश करवाऊँ। तो चलिए मिलवाते हैं हम आपको अपने स्टाफ से। हमारे फ्रेंड और हैं अनिल कुमार, वो भी आप सभी को दिवाली की बधाइयाँ देना चाहते हैं। एक बार मिलवाना चाहूँगा अपने अनिल कुमार से। हाय दोस्तों, हैप्पी दिवाली देना चाहते हैं। दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप दोस्तों दूर दूर तक देख सकते हैं स्टेशन बिल्कुल ही खाली है, सब लोग घर पर बैठ के दिवाली मना रहे हैं और हम सभी स्टाफ लोग ऑन ड्यूटी आए हैं अपनी अपनी दिवाली छोड़ के। सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना रहे हैं और हमारे लिए तो हमारे यही स्टाफ और हमारे यही पैसेंजर ही हमारे लिए हमारी फैमिली है। अभी जब मैंने टीडी सर से मुलाकात की, तो सर ने मुझे बताया कि जब वो मॉर्निंग में आए थे तो गलती से उनका टाई वही सीट पर रह गया था। वो अभी मैं जो A1 के अटेंडेंट है उनसे जाके मैं एक बार पूछता हूँ कि उनको टाई मिला है कि नहीं। दोस्तों हमारी जो इंदौर इंटरसिटी है वो नई दिल्ली से चल चुकी है अपने टाइम पे 9:50 और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वह निज़ामुद्दीन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे टीटी सर हैं उनके टाई रह गया था, तो ये टाई हमारे जो नज़ीर हैदर है A1 के अटेंडेंट है ये, तो इनके पास ये टाई है। सर इस टाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो चलिए उनको पहले टाई देते हैं। तमाम अपने देशवासियों को, अपने दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, हिंदू मुसलमान सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ हमारे टीटी सर भी ऑन ड्यूटी है और वो भी आप लोग को विश करना चाहते हैं हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली। देखिए सर का टाई रह गया था, सर जब मॉर्निंग में आए थे तो सर का टाई रह गया था, तो अभी जो हमारे अटेंडेंट है नज़ीर हैदर, उन्होंने सर का टाई वापस किया क्योंकि सर बहुत परेशान हो रहे थे टाई के लिए। ओके सर जी, हैप्पी दिवाली सर। तो आप देख सकते हैं कि कोच पूरा खाली खाली है क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है, तो ज़्यादा पैसेंजर आए नहीं है, बिल्कुल ही कोच खाली खाली है पूरा। ये निज़ामुद्दीन का स्टेशन है और इतनी आज भीड़ है नहीं, आज ज़्यादा पब्लिक है नहीं। दोस्तों अब जो हमारी ट्रेन है वो हज़रत निज़ामुद्दीन से निकल चुकी है और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वह मथुरा।
दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी चकाचौंध है आज। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो नागदा पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टेशन बिल्कुल खाली खाली है, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो ज़्यादा लोग आए नहीं है, स्टेशन बहुत ही खाली है। 9 नंबर सीट पे गया था? नहीं मैं गया ही नहीं। तुम गए ही नहीं 9 नंबर सीट पे? मैंने तुम्हें कॉल करके बताया ना सुबह सुबह। कॉल तो आया था तुम्हारा। तो फिर सर ये धर्मेंद्र है और ये मना कर रहा है बिल्कुल ही। मैं नहीं काम करूँगा। नहीं करोगे काम? दिवाली पे गिफ्ट नहीं मिला? मिला है, 5 किलो मिठाई मिला है, 5000 रुपये मिले हैं। हाँ तो इतना बड़ा बॉक्स मिला है। इतना बड़ा बॉक्स मिला है। दोस्तों ये हमारी ट्रेन का सिग्नल था और अब हमारी ट्रेन चलने वाली है नागदा जंक्शन से। हाँ हाँ 30 को 31 को है ना, 31 का सुबह वाला। हमारी ट्रेन उज्जैन पहुंच चुकी है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो उज्जैन से निकल चुकी है और अब जो स्टेशन है देवास है। जो भी काम था फीडबैक लेने का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब हमारी गाड़ी बिल्कुल खाली हो चुकी है। एक तो ऐसे इसमें आज पैसेंजर कम थे और अब मुश्किल से पूरी गाड़ी के अंदर 100 पैसेंजर है, बिल्कुल पूरी गाड़ी खाली है। दोस्तों A2 का जो कोच है उसमें हमारे एक स्टाफ को फ़ोन मिला था, तो अभी हमारी गाड़ी जब उज्जैन पे खड़ी थी तो मैं ऊपर उन्होंने मेरे को बताया कि ये फ़ोन मिला है A2 कोच में, तो मैं उस फ़ोन को मैंने अपने पास रखा था। मैं फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि जहाँ हमारी गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, इतने में उन मैडम का फ़ोन आ गया। उन्होंने मेरे से पूछा कि ये फ़ोन कहाँ पर है। मैंने बोला कि मैम ये इंदौर इंटरसिटी गाड़ी में आप भूल चुके हो इस फ़ोन को। तो उन्होंने बोला कि मेरे को बाहर आके देने के लिए, बट हमारी ट्रेन उस टाइम चल चुकी थी तो मैंने वो कॉल पर ही थे और जो RPF सर खड़े थे स्टेशन पे मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा सर ये बात कीजिए, ये मैडम है ये अपना फ़ोन भूल चुकी हैं तो आप इनसे बात करके इनको दे दीजिए, उज्जैन स्टेशन उतरी है। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेन से उतरें तो कभी भी आप उतरते टाइम एक बार अपने सामान को जरूर चेक कर लें, अपने सीट वीट पर जरूर देख लें कि कोई भी सामान तो आप नहीं भूल गए। कई लोग जल्दबाजी के चक्कर में अपना सामान भूल जाते हैं ट्रेन के अंदर, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। आप कभी भी ट्रेन के अंदर आएँ तो आराम से उतरें, जब उतरते टाइम अपनी प्रॉपर सीटों पर अपने सामान को चेक कर लें कि कोई भी सामान आपका रह तो नहीं गया। हमारी जो ट्रेन है ये इंदौर जंक्शन पहुंच चुकी है और अब ये यहाँ से शाम को 5:20 पे चलेगी। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो इंदौर पहुंच चुकी है और अभी यहाँ से ये शाम को चलेगी 5:20 पे। मैंने जो पिछली कुछ वीडियो अपलोड किए हैं तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं
तो उन्होंने मुझसे कुछ कमेंट पे कुछ सवाल पूछे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके मैं जवाब दूँ। तो पहले तो हमारे ये भुवनेश कुमार है, इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि भाई ये जॉब कहाँ से मिलेगा और क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस स्टेट में आपको जॉब चाहिए, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या किसी भी अलग स्टेट में। आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नियर बाई रेलवे स्टेशन, जो आपको ऐसा ना हो कि आप जॉब ले लो उसके बाद आप सोचो कि नहीं यहाँ से मैं दूर पड़ रहा है, मैं यहाँ से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें एक बार आने का मतलब है कि आपको कभी भी जब ऑन ड्यूटी आप आओ तो आपको टाइम पे आना होगा। उसके बाद उस स्टेट में जो भी रेलवे, कई एक स्टेट में कई सारे रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली में कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, निज़ामुद्दीन, आनंद विहार, दिल्ली सराय रोहिल्ला, इसी तरीके से आपको पहले एक स्टेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि मैं इसके प्रोसेस की बात करूँ, इस रेलवे लाइन में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब ओरिजिनल होने चाहिए और वो प्रॉपर हमारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन के लिए। आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक पेपर वर्क, एक टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। उसमें आपको जो हमारे सीनियर होते हैं रेलवे के अधिकारी, वो इंटरव्यू लेते हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। यदि आप वहाँ से सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये जॉब प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमारे दूसरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे जो सवाल पूछा है कि अटेंडेंट की सैलरी कितनी होती है और उनको कितने कोच का काम करना पड़ता है। तो दोस्त, अगर मैं सैलरी की बात बताऊँ तो सैलरी अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है सैलरी की, तो मैं आपको अभी इस तरीके से सैलरी आपको नहीं बता सकता। आप इस चैनल के लिंक में, आपको इंस्टाग्राम आईडी दी होगी मेरी, आप उस लिंक पे जा करके आप मुझे वहाँ से बात कर सकते हैं मेरे से। और अटेंडेंट को कितने कोच का काम करना पड़ता है, उनको टोटल एक से दो कोच का काम करना पड़ता है। तीसरे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ टू गेट दिस सुपरवाइजर जॉब इन रेलवे। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यदि सुपरवाइजर पोस्ट की आपको जॉब चाहिए, तो पहले तो आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपको जहाँ भी ये, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे भी आपको जिस स्टेट में आपको जॉब चाहिए, वहाँ पे जाके आपको वहाँ के स्टाफ लोगों से बात करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। यदि आप वहाँ पे जाके बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपका एक रिटन टेस्ट होता है, पेपर टेस्ट, वो यदि आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। तो ये कई सारे प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको ये जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी को भी मुझसे कुछ पूछना हो या मुझसे बात करनी हो, तो वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो मुझे वहाँ से जाके मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो करें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं मैं आपको इस ट्रेन की जर्नी के बारे में बता सकूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। दोस्त, प्लीज़ आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबसे चाहूँगा कि वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और हमारे स्टाफ को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे लाल कलर का बटन है, प्लीज़ आप उसको दबा दें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।